Hello everyone, this is Saloni and now I am going to teach you R.S. Agarwal of class 6th Maths. Chapter 1 is Number System, Part 1. First of all, we may express numbers in figures as well as in words. Numbers ko hum figures aur words dono mein hi bata sakte hain. What is notation? Notation means writing a number in figures is called notation. For example, nine, hundred, 1,001. Numeration. Writing a number in words is called numeration. For example, 9. We can write here 9 like this. 100. Okay, this is the numeration system. Next is Hindu Arabic system of writing numbers. In the Hindu Arabic system, we use 10 symbols. 10 symbols, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Called digits or figures to represent any number. ठीक है, हम इन 10 digits को use करते हैं जो 0 से लेके 9 तक हैं. उसके बाद है a group of digits denoting a number is called a numeral. जैसे 0 और 1 को मिला के 10 बन गया, 1 और 1 को मिला के 11 बन गया. इस तरीके से हम और भी numbers को बना सकते हैं. उसके बाद है नंबर सिस्टम एक्सटेंडेड फर्दर. इट मींस जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में पहुंचते जाते हैं, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर लाख में आ जाते हैं, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं कि वी नो दैट द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 7 times 9. इट मींस 99,99,999. On adding 1 to it, we get 1 crore. It means जब हमने 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दिया तो वो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, दैट इज 1 crore. Thus the smallest 8 डिजिट नंबर इज 1 crore. उसके बाद हैं पीरियड्स. पीरियड्स कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड्स, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आर नोन एज पीरियड्स. उसके बाद है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. वेरियस पीरियड्स आर फर्स्ट जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड्स, उसके बाद हंड्रेड प्लस टेंस प्लस वंस. इट मीन्स वी इंसर्ट कॉमा आफ्टर ईच पीरियड. फर्स्ट पीरियड हो गया हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड. इट मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ आते वक्त हमें 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है. उसके बाद थाउजेंड्स में आ गया आपका 1,000 and 10,000, तो 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है. उसके बाद लाख में भी आ गया आपका 1 lakh and 10 lakh, यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है. और यहाँ पे फिर उसके बाद करोड़, 10 crore. ठीक है, नेक्स्ट है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल. फेस वैल्यू, फेस मीन्स हम देखने में कैसे दिखते हैं, मतलब अगर सामने वाला हमें देखेगा तो हमारे फेस से ही पहचानेगा. वैसे ही हमें डिजिट्स को उनके फेस वैल्यू को देखकर पहचाना. इट मींस अगर 4 लिखा होगा तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 4, चाहे वो 4 कहीं भी लिखा हुआ हो. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स सेम एज इट इज वट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. इट मीन्स चाहे वो 1000 प्लेस पे हो, चाहे वो 10,000 प्लेस पे हो, चाहे लाख के प्लेस पर हो, चाहे करोड़ के प्लेस पर हो, उसकी फेस वैल्यू वही रहती है. जैसे कि यहाँ पे बोला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज ऑलवेज 4 वेयर एवर इट मे बी. वो कहीं भी हो उसकी फेस वैल्यू, इट मीन्स वो देखने में कैसा है, तो वो देखने में ऐसा है तो उसकी फेस वैल्यू यही होगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो. उसके बाद है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट इन अ न्यूमरल. The place value of a digit in a numeral depends upon the place it occupies in the place value chart.
फॉर एग्जाम्पल है जैसे कंसिडर द न्यूमरल 7, 2, 9, 4, 3 सॉरी 7, 2, 9, 3, 4, 8, 0, 6 इन दिस न्यूमरल वी हैव 6 एट वंस प्लेस सो इट्स वैल्यू विल बी 6 0 एट टेंस प्लेस सो 0 हैज़ इट्स वैल्यू ऑलवेज 0 8 इज एट हंड्रेड्स प्लेस सो इट्स वैल्यू विल बी 800 4 इज एट 1000 प्लेस सो इट्स वैल्यू विल बी 4000 एंड सो ऑन 30,000 9 लाख 20 लाख 7 करोड़। उसके बाद है आप लोगों का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दिखाया है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यू कैन सी दिस चार्ट वंस थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस। सो इन वंस देयर आर थ्री डिजिट्स वंस टेंस हंड्रेड्स इन थाउजेंड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड इन मिलियन मिलियंस टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन एंड इन बिलियंस बिलियन एंड टेन बिलियन एंड इन द इंटरनेट इन इंडियन सिस्टम वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज नोट्स इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। सो कम टू द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दीज नोट्स वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं आपको इसमें एक या दो ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करने हैं। तो फर्स्ट इज 9018 हंड्रेड के प्लेस में इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है सो वी विल पुट जीरो इंस्टेड ऑफ दिस एंड 18 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड सो 9018। नेक्स्ट है 54,073 तो 54,000 अगेन 100 का प्लेस यहाँ से गायब है तो जीरो पुट करेंगे उसके बाद है 73। ठीक है तो ऐसे ही आपको इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट को खुद से ट्राई करना है और उसके बाद आप मुझे इनका फोटो क्लिक करके मेरे पर्सनल नंबर पे डालेंगे और मुझे सॉल्यूशन दिखाएंगे। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इट मींस अभी हमने वर्ड्स वाले को न्यूमरल में लिखा है और अब न्यूमरल वाले को हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 63,005 तो हम इसको क्या लिखेंगे 63,005। एक और मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये वाला वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़। इसको हम लिखेंगे 5 करोड़ 10 लैख 3,000 604। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आपको इसके बाकी पार्ट्स को खुद से ही सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 1 × 1, 2, 3, 4 फोर नंबर्स बाद में दे रखे हैं तो हमें उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 10,000 हैज 4 जीरोस। जितने डिजिट बाकी हैं उतने ही जीरो वाला नंबर हमें लिख देना है। उसके बाद 5 उसके बाद 1, 2, 3 × 1000 प्लस 7 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 8 × 1
एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि ये, इसमें देखिए कैसे करना है। 9 × 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 0 वाले नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 1 × 1, 0 कम हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको हम या तो 0 0 से ही मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको छोड़ ही देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका नेक्स्ट नंबर 1 × 4 0, बिकॉज 1, 2, 3, 4 है यहाँ पे, प्लस अगेन 0 आ गया तो उसको हम लिखें या नहीं लिखें वो हमारी मर्जी है, प्लस 5 × 100, प्लस 1 × 10, प्लस 0 × 1, 1 इसको हम लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो यू हैव टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नहीं दे रही हूँ। आप अपने आप से इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किए हैं। उसके लिए आप इनकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए आपने शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, नाउ यू हैव टू राइट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इन शॉर्ट फॉर्म। सो यहाँ पे आपको दे रखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, इट मीन्स ये है आपका 60,000, उसके बाद है 2000, तो ये हो जाएगा 62,584। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए 3 है, बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ, उसके बाद 3 × 1, 3 हो गया, 2 × 10, 20, 20 का 2 आ जाएगा, उसके बाद 600 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 80,000 है और उसके बाद 5 लाख है। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक है, आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, सेम यही आंसर आएगा। इसके भी बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद से ही करने हैं, आई थिंक 2 ही पार्ट्स इसके बचे हैं, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s एंड 7, 9, 5, 2, 0, 9, 8, 6। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही 9 को अंडरलाइन कर लिया है, इसको मैंने माना है फर्स्ट वाला 9 और इसको माना है मैंने सेकेंड वाला 9। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, इट मीन्स ये हो गया हमारा 90 लाख। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, 1, 10, 100, इट मीन्स 900। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्लेस वैल्यूज ऑफ 9। सो 9 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। अब 0 में से 9 को तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें कैरी करना पड़ेगा, तो सॉरी बोरो करना पड़ेगा, तो बोरो करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा, ये इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, तो यहाँ से लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 10। अब ये 10 वाला 9 को दे देगा तो ये हो जाएगा 10, अगेन ये 9 हो जाएगा, फिर इसके लिए ये 10 में से 9 जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9, बस नहीं इसको तो 10 ही रहने देना है, तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 9, 9, 9 और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार डिजिट भी काउंट कर लेंगे, मे बी क्या हमने कोई डिजिट मिस कर दिया हो। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 2, 7, 6, 5, 0, 9, 3, 4। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, इट मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 70 लाख। एंड फेस वैल्यू, इट मीन्स ये देखने में कैसा, तो देखने में तो ये ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा है, इसको अभी इनको माइनस कर देंगे वैसे ही होगा जैसे ऊपर किया हमने, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, इसमें से बोरो करके आगे दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, अगेन ये 9 हो जाएगा, ये बोरो कर लेगा फिर ये हो जाएगा 9, ये 10, फिर 9, फिर 10, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, अब ये वाला 9, फिर ये वाला 9, ये वाला 9, ये वाला 9, 9 एंड 6। डिजिट काउंट कर लेते हैं, ये कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। नाउ हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल।
ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, बिकॉज आप काउंट करके तो देखिए एटलीस्ट कि 6 डिजिट वाले टोटल नंबर्स कितने होते हैं। ये नंबर आपके स्टार्ट होंगे कहाँ से, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर तक, 1 2 3 4 5 6। तो आप मुझे काउंट करके बताएंगे कि टोटल कितने 6 डिजिट वाले नंबर्स हैं। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इसे भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, दोनों का आंसर लगभग सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लैख। इसका आंसर हम देख के करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लैख। ओके, ये हमारा लैख बन गया, बट कितने थाउजेंड से हमारा लैख बना, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हंड्रेड थाउजेंड्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। तो सेम इसी मेथड से आप लोग यहाँ पे पता लगाएंगे कि कितने थाउजेंड्स में एक करोड़ बना है। तो ये भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड दे दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो फर्स्ट नंबर तो आपका 738 है, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 837। इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि 837 बड़ा है तो उसमें से हम माइनस करेंगे 738 को, और जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो ये माइनस आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस नंबर, तो इसमें आप प्लस वन कर दीजिएगा। उसके बाद है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस नंबर, तो इसमें से आप माइनस वन कर दीजिएगा। आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला नंबर, और बिफोर होता है पहले वाला नंबर। तो एक ऐड कर देंगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा, और वन माइनस कर देंगे तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़। इसमें से भी आप माइनस वन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, इन क्वेश्चंस की मैं आपको पिक भी भेज दूंगी। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो ये मैंने टेबल बना दिया है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी रह गई हैं। देख लीजिए आप भी इस टेबल को अच्छे से। इस तरीके से आपको ये टेबल बनाना है, और इस टेबल में ये जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये वाली सारी वैल्यूज, इन वैल्यूज को आपको इस टेबल में पुट करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, एंड ट्राई टू डू ऑल द सम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।